हल्द्वानी में नर्सिंग का स्टाफ 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर 3 दिन से भूख हड़ताल पर है। एलिंग वेलफेयर नर्सिंग फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष बबलू का कहना है कि अगर कब तक सरकार और स्वास्थ्य मंत्री हमें झूठे आश्वासन देते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हल्द्वानी से सचिवालय देहरादून की पदयात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन सचिवालय में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिले। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में 12 साल से नर्सिंग की भर्तियां नहीं हो सकी हैं, जिसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि नर्सिंग भर्ती वर्षवार कराएंगे, जिसका कैबिनेट में निर्णय भी हो चुका है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ने जो बात कही कि कोई आश्वासन, 2 साल से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। जैसे कि कल स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ आए थे और एक और आश्वासन वो हमें दे गए। मैंने यहाँ से पैदल यात्रा शुरू की, भूख हड़ताल में 12 दिन लगातार भूख हड़ताल में बैठा रहा। उसके बाद मैंने यहाँ से हल्द्वानी से देहरादून पैदल यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा करके मैं सचिवालय पहुँचा और सचिवालय, आप समझिए, सचिवालय जो है वहाँ ये स्थिति है, कोई अधिकारी वहाँ नहीं बैठा है। नर्सिंग की भर्तियाँ 12 साल से नहीं हो पाई थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम नर्सिंग भर्ती जो है वर्षवार कराएंगे, और हमारी सरकार ने निर्णय भी ले लिया है कि हम वर्षवार करेंगे, उसका कैबिनेट भी निर्णय भी हो गया।